बहुत मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, अभी रामदास जी से भजन सुन रहे थे। तेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया पिंजड़े वाली ना। ये हमारा जो शरीर है यही पिंजड़ा है, इसमें जो जीव बैठा हुआ है वही मुनिया है, तोता है, मैना है। और ज्ञान का सौदा हमें गुरु से मिलने वाला है। ये जो शरीर है पिंजड़ा, इसका तो ज्ञान हमें है, लेकिन इसके भीतर जो मुनिया बैठी हुई है, जो मैना बैठी हुई है, जो सुग्गा बैठा हुआ है जीव के रूप में, उसका ज्ञान है या नहीं है? और उसका ज्ञान न होने के कारण ही अनपढ़, विद्वान, धनी, गरीब सब दुखी हैं और सब भटक रहे हैं। दुनिया का काम तो करना होता है, क्योंकि दुनिया के जो काम हैं इनसे हमारे शरीर का निर्वाह होता है और साथ साथ लोगों की सेवा होती है। निर्वाह से हमारा जीवन चलता है, लेकिन जी करके करना क्या है? आपने सोचा कभी? कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, रिझ रहे हैं, खिझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और इतने में जिंदगी समाप्त हो जा रही है। इसके आगे क्या करना है मालूम ही नहीं है। और इसी के कारण हर आदमी भीतर से अशांत है, पीड़ित है। अनेक प्रकार के ज्ञान हैं दुनिया में और हर ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, इस शरीर के भीतर हृदय में निवास करने वाला जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक मन का दुख मिटने वाला नहीं है। तो बाहर का ज्ञान करें और बाहर का ज्ञान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मकल्याण का काम करें। इसी के लिए हमें यह मानव जीवन मिला है और यह काम हर आदमी कर सकता है। यह मत सोचिए कि हम गरीब हैं यह काम कैसे करें, हम अनपढ़ हैं यह काम कैसे कर सकते हैं, हम तो स्त्री हैं हम यह काम कैसे कर सकते हैं। स्त्रियां कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, गरीब कर सकते हैं, अनपढ़ कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। यहाँ तक जो बीमार है वह आदमी भी कर सकता है। आदमी को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अनपढ़ से अनपढ़ आदमी आत्मकल्याण का काम कर सकता है। आपको कोई और काम करना है, किसी की सेवा करना है, पेट ना करे तो हमारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी,
गृहस्थी को बनाने के लिए हमको मारपीट करना पड़ता है। मारपीट आपकी गृहस्थी और बिगड़ती है। क्षमा से रहो, प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके काम करो, मिलजुल करके बांट करके खाओ, एक दूसरे से हंस करके बात करो, एक दूसरे के साथ प्रेम का सुंदर व्यवहार करो, गृहस्थी बढ़िया बन जाएगी, फिर आगे कल्याण का काम भी हो जाएगा। बहुत सरल है, आदत बिगाड़ डाले हैं। रास्ता भूल गए हैं, इसलिए सुख बनाने का काम नहीं कर पाते, दुख बनाने का काम कर लेते हैं। कल्याण का काम नहीं, मुक्ति का काम नहीं कर पाते, अकल्याण का बंधन बनाने का काम कर लेते हैं। हर आदमी में वो बल है कि इसी दुनिया में रहकर और इसी घर परिवार के बीच रहते हुए अपने को ऊपर उठा सकता है। बस शुरुआत यहां से करो कि घर परिवार में जितने भी लोग हैं, पड़ोस में जो लोग हैं, उनके साथ कम से कम मीठी वाणी में प्रेम से बात करना शुरू करो, कोमलता से बात करना शुरू करो, प्रेम से बात करना शुरू करो, हंस करके बात करना शुरू करो, छल कपट करना छोड़ दो, ईर्ष्या द्वेष करना छोड़ दो, गाली गलौज मारपीट करना छोड़ दो। जहां आप रहेंगे वहां सुख से रहेंगे और भी सुखी रहेंगे और आपका नाम बढ़िया हो जाए। देखो अमुक आदमी कितना बढ़िया है, फिर उसके साथ साथ जहां रहते हो अच्छी बातें सोचना शुरू कर दो। आप बराबर सोचते हो, हर आदमी बराबर सोचता है, रास्ता चलते समय, खाते समय, काम करते समय, नहाते समय, हर समय आदमी सोचता है। तो इसलिए आप एक काम करो, अच्छा सोचने का काम, और यदि इसके साथ साथ आप खेत जा रहे हो काम करने के लिए, खेत में काम कर रहे हो या कहीं अन्य जगह काम कर रहे हो, ये देवियां भोजन बना रही है, बर्तन मांज रही हैं, कपड़े धो रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, कोई आप कोई भजन याद है, कोई साखी याद है, कोई मंत्र याद है, कोई दोहा चौपाई याद है, इनको बहुत याद है, उसको थोड़ी आवाज में गुनगुनाते रहो। इस गुनगुनाने का मतलब अपना सुन सकें बस, या निकट में बैठे वो सुन सकें। इतना बढ़िया मन हो जाएगा आपका, रोज अभ्यास करो, रोज हर समय गुनगुनाने का अभ्यास करो। जोर से गाओगे तो दूसरे को डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हल्की आवाज में, बिल्कुल धीमे आवाज में गुनगुनाने का काम करो। बेकार बात, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा बैर विरोध निंदा चुगली की बात मन में नहीं आएगी। ज्ञान की बातें गुनगुना रहे हो, ज्ञान की बातें मन में बढ़ती चली जाएगी, मन बढ़िया हो जाएगा, संस्कार बढ़िया हो जाएगा, धीरे धीरे बंधन कटना शुरू हो जाएंगे। घर में रहकर ही कल्याण के बहुत सारा काम कर सकते हो, बड़ी शांति का काम कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल्याण का काम करना सबसे सस्ता और सबसे सरल काम है। कोई आदमी बीमार है और ऐसी बीमारी है कि बिस्तर पर ही लेटा हुआ है, उठ बैठ नहीं सकता, उस बीमारी में भी आदमी दया की, क्षमा की, प्रेम की, ज्ञान की, भक्ति की, सेवा की बात सोचे, अपने आत्मा की अमरता की बात सोचे, खाट पर लेटे लेटे कल्याण हो जाएगा। लेकिन आदमी होता क्या है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने बैठने की हिम्मत नहीं है,
बेटा को गाली दे रहा है, बहू को गाली दे रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, नाती पोते को गाली दे रहा है और बंधन बनाने का काम कर रहा है। अरे तुम तो उठ बैठ नहीं सकते बिस्तर से ना, अब बेटा बहू जाने की काम बिगाड़ना है कि बनाना है, तुम्हें कौन सी चिंता, तुम तो मर जाने वाले हो, इस समय तो अच्छी बात सोच लो। उस बुढ़ापे उस बीमारी हालत में लोगों से हंस करके बात कर लो, प्रेम से बात कर लो, ज्ञान विवेक विचार की बातें सोच लो, अपने आत्मा की बातें सोचो, वहीं बैठे बैठे कल्याण, वहीं लेटे लेटे कल्याण हो जाएगा। अंत में ये जो पिंजड़ा है ना, ये पिंजड़ा तो मिट्टी में जाने वाला है। हमारा पिंजड़ा हो, आपका पिंजड़ा हो, किसी का भी पिंजड़ा हो, सबका पिंजरा एक दिन मिट्टी से जाने वाला है, क्योंकि मिट्टी में से बना हुआ ही है ये शरीर का पिंजरा। मिट्टी में मिले उससे पहले इस पिंजरे में रहने वाला वाली जो मैना है, जिसके लिए कहा गया मुनिया पिंजरे वाली ना, उसको जान लो, वही तो मुख्य है। वो दिखाई नहीं पड़ता वो जीव, लेकिन वही मुख्य है। यदि वही न रहे तब सब बेकार। इस शरीर में जब तक जीव है तब तक माता माता है, पिता पिता है, बेटा बेटा है, पति पति है, पत्नी पत्नी है, गुरु गुरु है, भाई भाई है। और जीव निकल जाए तब न माता माता रह जाती है, न पिता पिता रह जाता है, न पत्नी पत्नी रह जाती है, न पति पति रह जाता है, न बेटा बेटा रह जाता है, न गुरु गुरु रह जाता है। फिर क्या हो जाता है, क्या रह जाता है, केवल मिट्टी। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, जानने में कमी नहीं है। मिट्टी में मिलना है, मिट्टी से बना है, लेकिन सोने के समान मूल्यवान। सोना क्या, हीरे के समान मूल्यवान है, हीरा से भी मूल्यवान है ये जीवन। क्यों, जीव के कारण, उस जीव का ज्ञान करना है। और जीव का ज्ञान हो जाएगा सब भ्रम भ्रांति मिट जाएगी, भटकना दूर हो जाएगा। उसके लिए पहले सेवा और भक्ति की आवश्यकता होती है। बिना सेवा और भक्ति के किसी का अंतःकरण, किसी का मन कोमल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। जैसे हर चीज को शुद्ध करते हैं, सुबह उठते हैं, उठ करके बाथरूम जाना होता है, शरीर गंदगी निकालते हैं, फिर स्नान करके शरीर को धोते हैं, कपड़े धोते हैं, घर आंगन सफाई करते हैं, हर चीज़ की सफाई करते हैं, क्या अपने मन की भी सफाई कर पाते हैं? शरीर गंदा है कोई बात नहीं है, ऐसे गंदा नहीं रखना चाहिए, शरीर की गंदगी से बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, असली नुकसान है मन की गंदगी। और दुनिया में हर आदमी का मन गंदा है, वह धन्य है वह आदमी, वह आदमी पूजनीय है, श्रद्धेय है, जिसका मन शुद्ध हो चुका है या जब मन को शुद्ध करने का काम कर रहा है। ये सत्संग में आए क्यों आए हैं, शरीर को धोने के लिए आए हैं या मन को धोने के लिए आए हैं? आपके पास में गंगा बह रही है। हम सुबह जब 4 बजे घूमने निकले थे तो अनेक माताएं झोला लेकर गंगा स्नान करने जा रही थी, और 5 बजे इधर लौटे तब उधर गंगा स्नान करके लौट रही थी। गंगा में नहाते हो,
शरीर धुलता है या मन धुलता है? कितना भी नहा लो गंगा में, शरीर ही धुलेगा, मन नहीं धुलेगा। कहा यह जाता है गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, तो पाप क्या शरीर में चिपका हुआ है, पसीना है क्या पाप कि कोई मिट्टी पानी है जो शरीर में चिपका हुआ है गंगा नहाने से धुल जाएगा? पाप शरीर में चिपका नहीं है, पाप तो मन में है, और गंगा नहाने से मन नहीं धुलेगा। नहाते हैं गंगा अच्छी बात है, क्योंकि पास में जरूर नहा, पाप धुलेगा सत्संग रूपी गंगा में नहाने से। जहां ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, ये सत्संग वो गंगा है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, नाशत दुर्गुण लागे न वारा। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग है, और जो व्रत सो झूठ पसारा, पूजा वही जो कि चेतन पूजत, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। तीर्थ किसे कहते हैं? तारने वाले को। किसे तारना? पाप से तारना। कहा यह जाता है कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है भवसागर को पार करने के लिए, ये भी कहते हैं कि बैतरणी पार करना होता है। वो भवसागर, वो बैतरणी कहाँ पर है जिसे तैरना है इस मनुष्य जीवन से? वो बैतरणी, वो भवसागर बाहर कहीं नहीं है, हमारे मन की जो गंदगी है, हमारे मन का जो पाप है, वही भवसागर है, वही बैतरणी है। और पाप क्या है? पाप है मन के विकार। और मन में अनेक प्रकार के विकार है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध छल कपट निंदा चुगली, पता नहीं कितने कहां तक गिनाया जाए। और ये मन के जो विकार है, ये सत्संग रूपी गंगा में जब निमज्जन करेंगे, वो भी जब प्रेम से, तब सुनते जाए सुन करके मन को उसमें डुबाते चले जाएं, और धीरे धीरे करते करते एक एक दोषों का त्याग करते चले जाएं, गंदगी दूर होती चली जाएगी और इस जीव का कल्याण हो जाएगा। असली गंगा, असली तीर्थ सत्संग। इसीलिए सत्संग को महत्व दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति याद होगी आप लोगों को, मत कीरत गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक ही वेदना आन उपाऊ। मति सुंदर बुद्धि, गति कल्याण, भूति भौतिक पदार्थ कल्याण, जितने भी जहां जित पाया वो सत्संग प्रभाव से पाया, और कल्याण और कोई जगह कहीं है नहीं। इसलिए सत्संग में की आवश्यकता होती है। सत्संग केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। हम समझ लेते हैं सत्संग में जाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, सुन लेंगे, कुछ प्रवचन बोल देंगे, महात्मा लोग बोलेंगे, हम लोग सुन लेंगे, कुछ मनोरंजन हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, जिंदगी बीत गई टाइम पास करते करते। कितना मन का दुख दूर हुआ है,
हम आते तो हैं लेकिन डुबकी लगाने का काम नहीं करते, क्योंकि हम मनोरंजन करने के लिए आते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं। सत्संग टाइम पास करने के लिए नहीं होता है, सत्संग जीवन को बदलने के लिए होता है। अब जीवन बदलना क्या है? अपना जो गलत स्वभाव है, अपनी जो गलत आदतें हैं, अपने जीवन में जो गलत कर्म है, मन की जो गंदगी है, इनका त्याग करते चले जाएं। एक एक दोष, एक एक गलती का त्याग करते जाएं, धीरे 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 करते करते जब मन पूरा निर्दोष हो जाएगा, बस जीवन का बेड़ा पार हो गया, बहुत सागर तर गया। सोचें कि हमारे मन में कब कब गंदगी आती है, कब कब से विकार आता है। कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी ईर्ष्या आ गई। इसी से बचना है, और इसी के लिए कहा गया कि हर समय अच्छे विचारों में मन को लगा करके रखो। मन का काम है सोचना, और आदत बन गई है मन के गलत सोचने की। थोड़ा रास्ता बदलना होगा आपको। अच्छा सोचने में पैसा नहीं लगेगा। आप ये नहीं कह सकते साहब हमारे पास समय नहीं है, कहीं जाना हो बहाना बना सकते हो, समय नहीं मिला नहीं आए। सत्संग हो रहा है, पूछा गया किसी भाई सत्संग में क्यों नहीं आया, कहा कि साहब समय नहीं मिला। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब अच्छा तो सोचना चाहता हूं लेकिन समय नहीं मिलता। अच्छा सोचने के लिए हर समय समय, मैंने कहा था ना, खेत जा रहे हो, रास्ता में जा चल रहे हो, अच्छा सोचो। खेत में काम कर रहे हो, अच्छा सोचो। फैक्ट्री में, दफ्तर में काम कर रहे हो, अच्छा सोचो। दुकान में काम कर रहे हो, अच्छा सोचो। भोजन बना रहे हैं किचन में, अच्छा सोचो। झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, नहा रहे हैं बाथरूम में, अच्छा सोचो। हर समय फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन बिगड़ी आदत, इसलिए हम गलत सोचते हैं। और जितना गलत सोचते हैं उतना अपने लिए दुख के बीज बोते हैं। जितना गलत सोचते हैं अपने बंधन को और मजबूत करते हैं हम, और मजबूत करते करते बंधन इतना मजबूत हो जाता है कि गांठ कभी खुलती ही नहीं है। नौ मन सुत अरुझ ने सूर्य जन्म जन्म उर्झेरा, जैसे नौ मन सुत उलझ जाए तो सुलझाने में कितनी कठिनाई होगी। ऐसे ही गांठ बनाते 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 इतनी गांठ बना ली है मन, इतनी मजबूत गांठ पड़ गई है कि गांठ सुलझने का नाम नहीं। क्यों? गलत सोचने के कारण। आपके घर में खाने को है, पहनने के पर्याप्त कपड़े आपको मिल रहे हैं, रहने जगह भी आपको पर्याप्त मिल रही है, शरीर भी आपका स्वस्थ है, बाल बच्चे भी अपने अपने ढंग से सब ठीक हैं, इसके बाद भी यदि आप दुखी हैं तो एक ही कारण है, गलत सोचना। मन में जो टेंशन है, मन में जो भय है, चिंता है, नींद नहीं आ रही रात में, इसका एक ही कारण है, गलत सोचना। जितना गलत सोचोगे मन में टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा बीपी आपका हाई हो जाएगी, और बीपी हाई हो जाएगी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। चाहे शरीर के लिए बात ले लो, चाहे मन के लिए बात ले लो, गलत सोचना दोनों के लिए नुकसान करता है। अनेक बीमारी, शरीर में जो बीमारी होती है उसमें कई बीमारी का कारण हमारा गलत ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ज्यादा लोभ। जो ज्यादा लोभी आदमी होगा उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी होगी, जो ज्यादा कंजूस आदमी होगा उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी होगी, जो बराबर आदमी बराबर गुस्सा करता है कोई ना कोई बीमारी उसके शरीर में जरूर होगी। अब आदमी यदि घृणा करता है, रात दिन बैर विरोध की आग में जल रहा है, बीपी हाई हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट
में कोई गड़बड़ी हो सकती है या कोई और बड़ी बीमारी हो सकती है। इसलिए शरीर की बीमारी से बचना है, मन की बीमारी से बचना है, तो गलत सोचना बंद कर दो, अच्छा सोचना शुरू करो। किसी के लिए मन में बड़ी घृणा है तो जरूर आप बीमार पड़ोगे, कोई ना कोई फोड़ा होगा, फुंसी होगी, कहीं बार बार जुकाम होगा, सर्दी होगी, बुखार आए, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। यदि प्रेम है मन में, दया की भावना है, क्षमा की भावना है, मन सरल है, विनम्र है, कोमल है, उदारता है मन में, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। बहुत सुंदर तरीका है सुख से जीने का, शरीर से स्वस्थ रहने का, मन से स्वस्थ रहने का, कल्याण का काम करने का। एक काम करो बस, स्त्री पुरुष धनी गरीब अनपढ़ विद्वान साधु गृहस्थ सबको एक काम करना है, हर समय अच्छा सोचना। इसी के लिए सत्संग, क्या सत्संग में शरीर नहीं बदलता है, मन बदलना है, क्योंकि दुख का कारण शरीर नहीं है, दुख का कारण मन है। इसलिए कहा गया तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, तीर्थ कौन है जो पाप से तार दे। पाप क्या है? ये मन की गंदगी, और सबसे बड़ी गंदगी है गलत सोचना, ईर्ष्या की बात, घृणा की बात, बैर विरोध की बात, लोभ मोह की बात, पराई बहु बेटे की बात या किसी और की बात, ये गलत सोचना है। ये सोचना बंद कर दो, न टेंशन होगा, ना चिंता होगी, ना भय होगा, न बीपी की बीमारी होगी, और कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया। जीने का तरीका नहीं जानता है आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा है, होशियार है, बुद्धिमान है, अच्छी नौकरी करता है, जीने का तरीका नहीं आ रहा, महाराज बहुत टेंशन है, काहे टेंशन है भाई, गलत सोचना के कारण से। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो। व्रत क्या है? लोग मानते हैं व्रत का अर्थ होता है उपवास करना, अनशन करना, अच्छी बात, उपवास करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन उपवास करने से आपके पाप कटेंगे? आप सोचते हो तो धोखा है। भोजन छोड़ देने से धर्म नहीं होता, भोजन छोड़ना कोई पुण्य का काम नहीं है। ये समझते होंगे कि आज शनिवार ही उपवास कर लें, आज मंगलवार ही उपवास कर लें, आज अमुक ये उपवास कर लें, आज करवा चौथ उपवास कर लें, आज तीजा उपवास कर लें, आज जन्माष्टमी उपवास कर लें, पाप कट जाएगा, धोखे में हो। ये महिलाएं और धोखे में रहती है, बहुत व्रत रखते हैं ये लोग प्रायः। व्रत तो रख रही हो, तुम्हारे मन का दुख कितना मीठा है, पाप तो कटा, पुण्य तो हो गया, व्रत करने पुण्य होता है तो दुखी क्यों हो फिर मन में, क्यों टेंशन है मन में? यदि व्रत करने से पुण्य होता तो तुम्हारे मन में तो टेंशन होता ही नहीं, चिंता होती नहीं, भय होता नहीं, कोई दुख नहीं होता, सब काम तो कर रहे हो। व्रत करते हो करो, लेकिन भोजन छोड़ देना ही व्रत नहीं है, कुछ और छोड़ना व्रत है। वैसे 15 दिन में आप एक दिन व्रत कर लिए, अनशन कर दिए, कर लिए, भोजन करना बंद कर दिए, तो पेट को आराम मिल जाता है, पाचन शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, अच्छा है। लेकिन आदमी को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, साधु गृहस्थ हो, हर आदमी को व्रत करना चाहिए, और वो व्रत ऐसा व्रत, रोज व्रत करना होगा। यदि कल्याण का काम करना चाहते हो, जो मुनिया बैठे हैं ना इसके भीतर में, इसके बंधन को काटना है, भवसागर को पार करना है, तो आपको रोज व्रत करना होगा, रोज व्रत। आप कहो साहब रोज व्रत करेंगे तो शरीर में ताकत कहाँ रह जाएगी, हर दिन भूखे रहे तब तो, मैं भूखे रहने को नहीं कह रहा हूं, धर्म करना चाहते हो ना, पुण्य कमाना चाहते हो, तो रोज व्रत करो, रोज व्रत। किसका व्रत?
सुबह उठो और आज सोचो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज चाहे जो हो जाए क्रोध नहीं करूंगा। किसी दिन सोचो कि किसी दिन गाली का व्रत करो, किसी दिन क्रोध का, किसी दिन झूठ का, किसी दिन लोभ का, किसी दिन ईर्ष्या का, किसी दिन बैर विरोध का, ऐसा व्रत करते चले जाओ। कभी ऐसा व्रत किए हो? एक एक गंदगी के लिए आज मोह का व्रत है, आज इसका व्रत है, आज मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, आज बस आज मेरा द्वेष का व्रत है। चाहे जो हो जाए आज मेरा व्रत है कि आज मैं शांत रहूंगा, चाहे जो हो जाए शांत रहूंगा। ये एक व्रत निश्चय कर लो। किसी ने सोचो कि आज मैं मेरा प्रेम का व्रत है, आज जिससे भी मिलूंगा घर में बाहर सबसे प्रेम से बात करूंगा। देखो धर्म बढ़ जाएगा, कल्याण का काम हो जाएगा। यही काम तो नहीं हो रहा है, व्रत करते हो खाली भोजन छोड़ देते हो, अच्छी बात है चलो वो भी करो, लेकिन जो व्रत मैं बता रहा हूं ये व्रत करना होगा तब कल्याण का काम हो पाएगा। यदि ये व्रत हुआ तो कल्याण का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया कि व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो। व्रत क्या है? अपने गलत कर्मों को त्यागने के लिए व्रत का होता है दृढ़ निश्चय, संकल्प, चाहे जो हो जाए मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे जो हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, कौन सा नुकसान होगा आपका। चाहे जो हो जाए मैं गाली नहीं दूंगा, कौन सा नुकसान हो जाएगा आपका। सदैव याद रखना, गाली देने वाला छोटा होता है, गाली सुनने वाला छोटा नहीं होता है। जो आदमी जितनी गाली सुन करके शांत रह जाता है वही बड़ा हो जाता है, और गाली देने वाला लगता अहंकारी आदमी लगता है कि मैंने गाली दिया मैं तो बड़ा आदमी हूँ। बड़ा नहीं हो गए, अपनी आत्मा का अपमान कर लिया, अपने लिए बंधन बनाने का काम कर लिया। बड़ी सरल बात है, कोई बहुत ऊंची बात नहीं बता रहा हूं मैं। ये बात, ये काम आप घर में रह करके कर सकते हैं, अनपढ़ है तो, गरीब है तो, और हर समय कर सकते हैं। या तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, और जो व्रत सो झूठ पसारा। व्रत क्या है? बुरे कर्मों का त्याग। अब मैंने कहा कि रोज व्रत करना है, क्रोध का, किस दिन क्रोध का, किस दिन लोभ का, किस दिन ईर्ष्या का, किस दिन बैर विरोध का, किस दिन गाली का, किस दिन झूठ का। फिर देखो जीवन कितना ऊपर उठता चला जाएगा। मुनिया का जो बंधन है ये बंधन करते चले जाएंगे। पूजा वही जो कि चेतन पूजत। पूजा क्या है? चेतन की पूजा। मंदिर में जाते हैं, किसी की मूर्ति है वहां पर, किसी की भी हो, आप हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो, आरती वंदना करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, अच्छी बात। लेकिन प्रश्न यह है, जिस सरलता से, जिस विनम्रता से, जिस कोमलता से आप मंदिर में जाकर के, जिस श्रद्धा भावना से मंदिर में जाकर आप पूजा करते हो, उसी श्रद्धा भावना से, उसी प्रेम से, उसी विनम्रता से घर के लोगों से व्यवहार करते हो, घर के लोगों से बात करते हो। मंदिर में मूर्ति है और मूर्ति में जान नहीं है, भले प्राण प्रतिष्ठा किया गया लेकिन उसमें जान है नहीं। उसको देखने से अच्छी भावना आती है मन में, संस्कार अच्छे आते हैं। जिस महापुरुष की मूर्ति है उसके त्याग, उनके त्याग तब साधना ज्ञान वैराग्य की याद आती है, प्रेम बढ़ता है। लेकिन असली पूजा मंदिर में नहीं होगी, असली पूजा होगी घर में। माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनके उचित आज्ञा का पालन। असली देवी देवता है घर में माता पिता के रूप में, और
अन्य जो पति पत्नी है, भाई भाई है, गोतनी है, प्रेम समता एकता का व्यवहार हंस करके बात, उनकी पूजा होगी। घर को मंदिर बनाना होगा आपको। यदि सुख से जीवन जीना चाहते हैं, अपने घर में रहते रहते स्वर्ग का सुख अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर को मंदिर बनाना होगा। मंदिर बनाना होगा क्या? आपका घर मंदिर है, समझ नहीं पा रहे हैं। और हम घर में जो जीवित लोग हैं, चेतन, उनके साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। इन देवियों से मैं कभी कभी प्रश्न करता हूं, क्योंकि इन देवियों में भक्ति भावना ज्यादा होती है। पुरुषों में भी है, लेकिन फिर भी देवियों का हृदय, महिलाओं का जो हृदय है, अधिक कोमल होता है, भक्ति भावना श्रद्धा ज्यादा होती है इनके मन में। ये लोग बहुत मंदिर जाते हैं। अभी बस कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले ही नवरात्र का पर्व समाप्त हुआ है। और नवरात्र में जितने भी दुर्गा मंदिर है, बड़ी भीड़, कहां कहां से लोग आते हैं। शादी होती है, वर वधु लड़का लड़की तुरंत दुर्गा मंदिर पहुंचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छी बात है, दुर्गा मंदिर में पूजा तो किए, लेकिन घर में जो माँ है, घर में जो सास है, घर में जो अन्य बूढ़े हैं, उनके साथ क्या व्यवहार है, ये बहने जरा ख्याल करें। बूढ़े हो गए हैं, जवान हैं, खासकर जवान लोग और थोड़ा ख्याल कर लें। जिस पति को पाने के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया, शादी हुई किसी पुरुष के साथ, युवक के साथ शादी हुई, वो पति बन गया। जिस पति को पाने के लिए तुमने माता पिता को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेली को छोड़ा, गांव घर को छोड़ा, उस पति को मंदिर वाली दुर्गा ने पैदा किया है या घर में सासुर भी दुर्गा है, वो है उसने पैदा किया है। और आपके पति को मंदिर वाली दुर्गा ने पैदा किया होगा तो मुझे मालूम नहीं है भाई। मैं तो ये समझता हूँ, जिस पति को पाने के लिए तुम अपने मायका छोड़ करके आई हो, वो पति को तुम्हारे सास भी दुर्गा ने पैदा किया है, उसके साथ क्या व्यवहार कर रही हो, कितनी सेवा कर रही हो। मंदिर को जो दुर्गा है, मिट्टी या पत्थर की दुर्गा बनाकर रखे हैं श्रृंगार करके, उसको तो नमस्कार करती हो। सास भी जो दुर्गा है, जिन्होंने तुम्हारे पति को जन्म दिया, तुम्हारे पति को अपने कोख में रख करके 9 महीना पाला पोसा, वो दुर्गा को, सास भी दुर्गा को कब कब प्रणाम करती हो, कितना आदर करती हो। इसलिए हकीकत को समझने की जरूरत है। मैं कह रहा था व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग, और पूजा वही जो कि चेतन पूजत। पूजा क्या है? चेतन की पूजा। पूजा का मतलब केवल आरती करना नहीं, सेवा करना, प्रेम का व्यवहार करना, आदर देना, सम्मान देना, बड़ों के लिए आदर, बराबर वालों में प्रेम, छोटों के लिए स्नेह। घर मंदिर बन गए घर, क्योंकि पूजा होगी। मंदिर जाते हैं, किसी मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो, तुम्हें वह माता चा पिता तुम्हें वह, तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें वह। कभी माता पिता को कहे हो तुम्हें वह माता चा पिता तुम्हें वह, उसके सामने हाथ जोड़कर वंदना करते हो कभी? भटक गया है आदमी। इसीलिए तो घर घर में कला है, क्योंकि कला भीतर है। पहले लोभ बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, इसलिए ईर्ष्या द्वेष बढ़ गए, कलह मन में शुरू हो गया। अब मन में जब कलह आ जाएगा तो बाहर कलह आ जाएगा,
और जब घर में कला है, घर में कला है, मंदिर की पूजा कभी सफल नहीं होगी। घर में जब प्रेम का वातावरण बनाकर रखोगे, लोग घर के लोगों से हंस करके बात करोगे, बड़ों का आदर सम्मान करोगे, तब मंदिर की पूजा सफल होगी, तब मंदिर का देवता तुम्हारा खुश हो पाएगा। लड़ते हो घर में, क्षमा मांगते हो भगवान के पास, पिता से लड़े हो, पुत्र से लड़े हो, सास से लड़े हो, बहू से लड़े हो, गोतनी से लड़े हो, अब मंदिर में जाकर कहते हैं भगवान क्षमा करना, झगड़ा भगवान से हुआ कि झगड़ा घर में हुआ है? जहां झगड़ा हुआ है वहां क्षमा मांगो, जिसे झगड़ा हो उससे क्षमा मांगो, तब तो पूजा होगी ना। अब ये पूजा तो नहीं हो पा रहा है, कैसे काम बनेगा? इसलिए पूजा वही जो कि चेतन पूजत, पूजा वह पूजा असली पूजा है जिसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, बराबर वहां से प्रेम समता एकता का व्यवहार करो। असली पूजा तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। अब घर ही मंदिर बन गया तो कहना क्या है फिर? तो स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा। जाप वही गुरु प्रेम नटारा। जाप क्या है? नाम जपते हो, मंत्र जपते हो, इससे क्या मन एकाग्र होता है? कोई भी नाम हो, कोई भी मंत्र का जप हो, मन में एकाग्रता आती है, सात्विक भावना आती है, प्रसन्नता आती है, संस्कार अच्छे बनते हैं। लेकिन असली जप गुरु के लिए प्रेम, और गुरु के लिए प्रेम करते क्या होता है? गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का स्मरण, उस ज्ञान का चिंतन, उस ज्ञान की याद करते रहना, और याद करने का उस ज्ञान का जीवन में प्रयोग करना, आचरण करना। यदि हम गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं कहीं भी हो, तो सदैव हम गुरु के साथ हैं, गुरु हमारे साथ बने हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हर समय ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना होगा। ये शरीर हमारा एक पिंजड़ा है, और पिंजड़े का महत्व कब होता है? आपके घर में दरवाजे पर एक पिंजड़ा है, उसमें कोई पक्षी नहीं है, कोई सुग्गा कोई मैना उसमें नहीं है, तो खाली पिंजड़ा को कोई दरवाजे पर टांगता नहीं है। टांगता कब है? जब उसमें कोई पक्षी बैठा होता है, कोई सुग्गा बैठा होता है। ऐसे ही ये शरीर एक पिंजड़ा है, और ये पिंजड़ा तब तक काम का है जब तक जीरूपी सुग्गा, जीरूपी पक्षी इसमें बैठा हुआ है। अब हम दिन भर का जिंदगी भर इस पिंजड़े को संवारते रह जाते हैं। इसकी व्यवस्था करने पर मजबूरी करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा बिना संवारे। लेकिन किसके लिए संवार रहे हो? उस जीव के कल्याण के लिए, और उसी का ज्ञान नहीं है। न खाना पीना ठीक है, न व्यवहार ठीक है, न कर्म ठीक है, न सोचना विचारना ठीक है, कैसे काम बनेगा? मुनिया पिंजरे वाली ना तेरा सदगुरु है व्यापारी। सदगुरु जो व्यापारी है उसके पास जाना होगा, और उस इस पिंजरे भीतर जो बैठा है, मुनिया बैठी हुई है, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। शरीर मर जाएगा एक दिन, लेकिन इसके भीतर जो पक्षी बैठा है वो कभी नहीं मरने वाला है, वो सदैव जीवित रहने वाला है।
बाहर घर में पिंजरा डाल रखते हो, उसमें जो पक्षी लाते हो, पक्षी सदैव अमर नहीं होता है, पक्षी बदलता रहता है, पिंजरा वही का वही रह जाता है। और कितने घर में ऐसा हो जाता है, एक पीढ़ी से, दो पीढ़ी से, तीन पीढ़ी से वही पिंजरा है और पक्षी बदलते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ बात उल्टी है, पिंजरा बदलता रहता है, पक्षी वही का वही रह जाता है। आज इस शरीर में जो जीव है इस पिंजरे में है, इस शरीर छूट जाएगा, भिन्न पिंजरा मिल जाएगा इसको जीने, इसके पहले भिन्न पिंजरा था, आज इस पिंजरे में है, इस पिंजरे की रक्षा करें, व्यवस्था करें। लेकिन इसी पिंजरा में रह करके अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को जीवन में उतारें। और ज्ञान उतारने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था अच्छे विचार मन में बना करके रखना, पैसा नहीं लगेगा आपको, हर समय कहीं भी रह करके कर सकते हो। सदैव अच्छा सोचते चले जाओ, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके कल्याण हो, ऐसा सोचने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। देखेंगे यदि आप सबका मंगल सोचते हैं तो आपका मंगल हो जाएगा, अपना मंगल हो जाएगा, बस बंधन कट गए, जीव का कल्याण हो गया। इसी कल्याण की प्राप्ति के लिए कल्याण कैसे करना है, इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया में रह करके दुनिया का काम करते हुए, दुनिया की सेवा करते हुए कैसे वो बंधन को काटें, कैसे आत्मकल्याण का काम करें, इसी के लिए इस सत्संग का आयोजन हुआ है। रामदास जी ने, सुधीर ने और आप सब पूरे गांव वालों ने मिलकर के बड़ी मेहनत के साथ इस सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस आयोजन में आकर के यदि हमने अपनी एक गलती का भी त्याग कर दिया, एक गलती को यहां पर चढ़ा दिया, देखो आप सामने दान पात्र रखा है, आप आते हो उस दान पात्र में कुछ डालते हो जैसे आपकी भावना होती है, और उस दान पात्र में जो डाल रहे हैं वो आपकी सेवा में ही चले जाना है, किसी को व्यक्तिगत नहीं होना है। दान पात्र में जब डालें, कुछ भी डालते हैं आप, तो कुछ डालते समय ये सोच लें इस दान पात्र में ये पैसा डालने के साथ साथ मैं अपने मन का क्रोध भी डाल रहा हूँ, लोभ डाल रहा हूँ, घृणा डाल रहा हूँ, ईर्ष्या डाल रहा हूँ। अब दान पात्र में डाल दिए, फिर मांगते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं, ऐसे ही मन के जो विकार है उसको डालकर फिर निकालो मत, वहीं रहने दो। महात्मा लोले जाकर गंगा में ठंडा कर देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। एक दोष का त्याग हुआ सत्संग का आयोजन, मंदिर जाते हो, गुरु के पास जाते हो तो कुछ भेंट लेकर के जाते हो, भेंट में मंदिर जाते हो तो दोनों में प्रसाद रख लेते हो, आप फूल माला रख लेते हो, अगरबत्ती रख लेते हो, कभी कुछ पैसा रख लेते हो, एक भावना है, श्रद्धा, भगवान के पास जा रहे हैं, गुरु के पास, संघ के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एक शिष्टाचार है, विनम्रता है, समर्पण भावना है, सेवा है, त्याग है, ये सब करते ही हो। लेकिन आप मंदिर में भगवान मानते हो, अच्छी बात है, आपकी भावना है, मंदिर में भगवान मांगकर जाते पूजा करने के लिए, गुरु के पास जाते हो तो मंदिर के बैठे भगवान को, गुरु को, संत को चढ़ाने के लिए कोई सबसे अच्छी चीज है जिससे जीवन कल्याण हो जाए, वह है अपने मन का अहंकार,
वह है अपने मन के दोष, अपने मन के दुर्गुण कि हे गुरुदेव आपके पास आया हूँ, और आज आपके पास जाकर के मन ही मन बताने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन कह दो कि हे गुरुदेव आपके प्रणाम कर रहा हूँ, अपनी अमुक गलती आपको चढ़ा दे रहा हूँ, बस मुझे आशीर्वाद दो कि ये गलती जीवन में न दोहराऊं, सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी और ये मुनिया इसका कल्याण हो जाएगा। तो रामदास जी ने एक भजन गाया था, मुनिया पिंजड़े वाली ना तेरे सदगुरु है व्यापारी, इस शरीर पिंजड़ा है, जिरपी मैना इसमें बैठी हुई है, गुरु से ज्ञान ले लेना है, गुरु से ज्ञान का सौदा ले लेना है, और ज्ञान सौदा लेने के लिए गुरु को क्या देना, जब हम सौदा खरीदते हैं तो दुकानदार हमें सौदा देता है और हम पैसा देते हैं, लेकिन गुरु से जब हम ज्ञान सौदा ले रहे हैं तो अपने एक दोस्त का त्याग कर दें, बस एक दोस्त को दे दें गुरु को, ज्ञान का सौदा मिल जाएगा, दोस्त का त्याग हो गया, इस मुनिया का कल्याण हो जाएगा। इसी के लिए सत्संग की, इसी के लिए भक्ति और सेवा का आवश्यकता है। समय पूरा हो चुका है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, इस समय आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।